देखो हम लोग आज डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास आए, कंसर्न सिटीजन कमेटी ऑफ तेलंगाना, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कंसर्न सिटीजन कमेटी रखे हम लोग, दो तीन मीटिंग भी रखे हैदराबाद में। अभी बकरी दारा आए तो क्या गौ प्रोटेक्शन के देश में बहुत गड़बड़ कर रहे। हम लोगों का डिमांड क्या है, नंबर वन डिमांड, कुछ भी काउस और बफलोस हैदराबाद को आए तो किधर भी आए तो उनको परमिशन देना पड़ता, उनके पास बहुत परमिट है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहता। सोब रहने के बाद एक गौरक्षक वाले बहुत गड़बड़ कर रहे, गौरक्षक वाले उसको स्टॉप कर रहे। हमारा डिमांड क्या है, उन लोगों को अलाउ करना पड़ता, नंबर वन डिमांड। नंबर टू डिमांड इन नेम कॉ प्रोडक्शन नेम पे सोब लोग इधर बहुत अट्रॉसिटीज कर रहे, इल ट्रीट कर रहे, वेरी वेरी पोअर मुस्लिम्स नो कम टू हैदराबाद नो विथ नो काउ। सो वी आर सेइंग ऑल द पुलिस, एंटायर स्टेट को पुलिस इंस्ट्रक्शन देना पड़ता। अभी डीजीपी को मिलके डीजीपी से बात करेंगे डिटेल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट नो ऑल दीज एनिमल्स सो दैट नो नो वन विल टेक लॉ इन टू देयर हैंड। वी आर हियर टू गिव ए रिप्रेजेंटेशन टू द डीजीपी टू मेक श्योर दैट टू प्रोटेक्ट द integrity of the state and Hyderabad regarding the communal things which were happening and on the name of animals exploiting humans, so and forgetting human values. So we are here, we are demanding the right to eat, so whatever it may be, so there should not be any exploitation. And this is not today, it was not born today, it was from hundreds and thousands of years. This cow was not born today or yesterday, for which these people are having, like even now Supreme Court has banned something, some sort of thing. It's not about BJP coming into power now. BJP was in power many times also. But these type of situations are happening now, which is threatening the very fundamentals of India, democracy, secularism, all those things. We are demanding not to happen, not to make sure again. We have seen Hyderabad in very peculiar situations many times. We don't want that to happen in any mode.